हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ और आज इस नए वीडियो में हम सीखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह से फोटो डिजाइन करना। तो जो कि फोटोशॉप के अंदर मैंने किया हुआ है, तो इसी तरह से आपको भी डिजाइन करना है। दोस्तों, छोटी छोटी जानकारी आपको हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, बैनर पोस्टर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। आप वहाँ से बारी बारी करके एक एक वीडियो देख सकते हैं और उससे कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको फाइल में जाना है और यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप यहाँ से कोई साइज ले लेंगे। तो मैं 5:7 का यहाँ पर साइज ले रहा हूँ और इसका रेजुलेशन जो है 200 करेंगे और कलर मोड इसका जो है RGB रखेंगे, बैकग्राउंड व्हाइट रखेंगे। ठीक है, ओके कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे इस बैकग्राउंड का जो है हमको कोई कलर देना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे फाइल में जाएंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम कोई इस तरह का कलर ले लेता हूँ। ये जो है डेस्क बैकग्राउंड है, ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसी को मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, ड्रैग करके यहाँ पे हम लेके आए, उसके बाद में इसको इसमें सेट किया। ठीक, एंटर किया। उसके बाद में इसको हम क्रॉप कर लेंगे, यहाँ से क्रॉप टूल सेलेक्ट करके क्रॉप कर लेंगे, एंटर करेंगे। और उसके बाद में आपको करना क्या है, जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ पर्दे नुमा यहाँ पे लगा हुआ है, इस तरह से हम यहाँ पे पैसे लाएंगे। तो इसके लिए आपको PNG फाइल जो है यहाँ पे पर्दा डाउनलोड करना पड़ेगा। आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैं कंट्रोल ओ करूँगा और यहाँ से मैं एक पर्दा जो है ले लेता हूँ। देखिए, अभी हमने कुछ डिज़ाइन किया हुआ था, उसी में से ये पर्दा जो है इधर मैं निकाल लेता हूँ और इसमें ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, ये दोनों मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। उसके बाद में इसको सेट करता हूँ, मैक्सिमाइज करेंगे और थोड़ा सा छोटा कर लेंगे कीबोर्ड की सहायता से इसको, और यहाँ पे सेट करेंगे। सेट करने के बाद एंटर करेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद में एक फ़ोटो लेके आना है, जो भी फ़ोटो आप बना रहे हैं, इस तरह से अगर फ़ोटो आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसी तरह से फ़ोटो होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। सेम हम इसी तरह से यहाँ बनाने वाले हैं। देखिए, जो ये पर्दा लगा हुआ है, इसका अगर कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल यू करेंगे। कंट्रोल यू करने के बाद में कलराइज पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसको, इसका जो डायमीटर है इसको घटा बढ़ा देंगे, तो यहाँ से आपका कलर चेंज होता नज़र आएगा। ठीक है, तो मैं इसको कलर को ये ग्रीन कलर कर देता हूँ। उसके बाद में इसको भी मैं कर दूंगा कंट्रोल यू की सहायता से, ओके कर दूंगा। और उसके बाद में जो इमेज हमको लेके आनी है, उस इमेज को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो कंट्रोल वो करेंगे और यहाँ से इमेज को हम ले लेंगे। ये इमेज जो है अभी पीछे इसका बैकग्राउंड है, तो मैं इसको कैसे रिमूव करता हूँ बैकग्राउंड को, वन क्लिक में कंट्रोल ये करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल एन कर देंगे और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी करेंगे। उसके बाद में ओके कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल वी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, डब्लू प्रेस करेंगे और यहाँ से प्रेस करके इसको डिलीट कर देंगे। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको ड्रैग करके ले आएंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा जो है और वाइटनेस बच गई है, तो इसको भी मैं ब्लेंड टूल से ख़त्म कर देता हूँ। इरेज करने के बाद में हम डुप्लीकेट करेंगे इसका, तो मूव टूल पे जाएंगे और इसका डुप्लीकेट अल्ट की सहायता से इसको हम डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में जो पीछे वाला इमेज है उसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे दोबारा से और उसको हम हाफ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से इरेज कर दें। उसके बाद वी टूल पे जाएं और थोड़ा सा इसको शिफ्ट की सहायता से इमेज को बड़ी कर लेता हूँ। ओके, और लेयर पे जाएंगे और यहाँ पे सबसे नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में इस इमेज को पकड़ेंगे और यहाँ पे इसको लगा देंगे। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि ये वाला हमारा जो है सेट हो गया है। अब इसमें हमको बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर कैसे लगाएंगे? बॉर्डर लगाने के लिए आपको कंट्रोल वो करना होगा, और अपने फाइल में से कोई भी बॉर्डर आप यहाँ से ले लीजिए। अगर बॉर्डर आपके पास नहीं है तो आपको इस PSD फाइल में आपको बॉर्डर मिल जाएगा, आप इसको यूज में ले सकते हैं। उसके बाद में ड्रैग करके हम इसमें लेके आएंगे और इस बॉर्डर वाली जो लेयर है इसको सबसे ऊपर रखेंगे ताकि सबसे ऊपर फ्रेम में आ सके। उसके बाद में इसको रोटेट करेंगे इस तरह से और इसमें हम सेट कर देंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद में इसको हम फाइल को सेव कर देंगे। सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे और सेव एज पे क्लिक कर देंगे। तो मैं इसको PSD यानी फोटोशॉप मोड में सेव कर रहा हूँ। उसके बाद में इसकी एक JPG बनाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट यस करेंगे और यहाँ से JPG सिलेक्ट करेंगे और डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, ओके किया। और उसके बाद कंट्रोल ये करेंगे, सी करेंगे, एन करेंगे और एंटर कर देंगे। जी करके यहाँ पे मैं कलर फिल करूँगा और उसके बाद में उस इमेज को जो हमने अभी सेव किया है उसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। उसके बाद में इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आएंगे जो न्यू फाइल हमने अभी लिया है। उसके बाद में यहाँ पे हम सेट करेंगे इसको। दोस्तों देखिए कुछ इस तरह से इमेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आप अगर आपके पास और भी फोटोज हैं तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, सेव के अंदर भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले वीडियो को देखने के लिए इस घंटी को जोर दबाएं। चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।